स्वागत है दोस्तों एक नए दिन और नई वीडियो में। और आज फिर संडे को हम आ गए हैं साइकिलिंग पे। हमारी साइकिलें वो खड़ी है सामने और वही बहता पानी। और आज अभी सूरज उगा नहीं है पर मौसम वही अच्छा है और पानी की कलकल आवाज आपको पीछे से आ रही होगी। वही माहौल है खुशनुमा। और आज फिर हमने रजाइया समय पे छोड़ दी और आज दिन फिर से बेहतरीन हो गया है। तो हम अपनी पसंदीदा जगह जो नहरें हैं दो उनके बीच में जो रास्ता बना हुआ है अभी नया, हम यहाँ आ गए हैं और कर रहे हैं अपने दिन को एंजॉय, साइकिलिंग की और अब थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की। और फिर हम चलेंगे अपने अड्डे पर पुराने, जहाँ हम बैठ के हंसी मजाक करते हैं, चाय पीते हैं और दिन को और बेहतरीन बनाते हैं। तो अब हम उस दिशा में निकल लिए हैं। ये हम आज चार दोस्त ही आए हैं और ये एक्सरसाइज करने के बाद भी इनका मन नहीं भरा है, फिर से एक्सरसाइज चालू कर दी है। ये मिस्टर राकेश कुमार और ये मिस्टर पंकज पारा सर और एक साथी अभी दूर गए घूमने और हमारे लिए नीम की दातुन का इंतजाम करने, देसी माहौल में देसी टूथब्रश। और ये खेतों में पानी चल रहा है, नहर से दो नहरें हैं, एक सिर्फ दिल्ली को पानी पिलाती है और एक खेतों को, तो उन्हीं एक नहर में से ये पानी आ रहा है और खेतों में जा रहा है सुबह सुबह। ये पानी फिर से कलकल बहता हुआ और हम चल दिए हैं इसी पे आज का दिन बेहतरीन बनाने के लिए। ये दूर से बहता हुआ इस छोटे दाने में आ गया है, इसको दाना बोलते हैं हम, पक्का दाना ये। और यहाँ से पास में कुई भी है, दिखाते हैं आपको कुई। और खेतों के बीच में अब इसका कम प्रयोग हो रहा है, देखिए इसकी गंदगी हो गई है। यहाँ भी लोगों ने प्लास्टिक की बोतलें डालने से नहीं बाज आए। और ये जिसने बनवाई है उसका मार्क का नाम उर्दू में लिखा हुआ है, लगता है बहुत पुरानी कुई है। और ये गेहूं की फसल, ये गेहूं है, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक गेहूं ही गेहूं नज़र आ रहे हैं। वो हमारे साथ ही खड़े हैं, मैं थोड़ी ही खेतों की तरफ चला गया था और अब हम यहाँ से साइकिल लेके निकलेंगे और अपने अड्डे पे पहुँचेंगे, जहाँ हम साइकिल अड्डा टी अड्डा वहाँ चाय का अड्डा बना रखा हमने, वहाँ चाय पियेंगे। ये है मेलाना गाँव का अड्डा और हम यहाँ नहरों के बीच में से आ गए हैं। और ये है अपना अड्डा ठिकाना मेलाना गाँव के पास। यहाँ रेडी पे से हम फल फ्रूट भी ले लेते हैं और यहाँ हम कई बार, हमारा ये साथी है नाई की दुकान, यहाँ आगे भी सुविधाएँ ले लेते हैं और यहाँ हम बैठते हैं। ये हमारे साथी अब केला छाट रहे हैं, थोड़ी मूंगफली। और ये अभी चाय के लिए, हाँ जी चाय तैयारी है, बिल्कुल बना दो चाय बना दो। और यहाँ अभी ये हमारा ठिकाना है इस दुकान का, तो अभी हम बढ़िया ही अदरक वाली चाय बनाएंगे ये और फिर हम यहाँ चाय पियेंगे मस्ती मजाक। और यहाँ अभी आग जलाएंगे इसमें पीछे ये रखी है और ये हमें अभी केले खिला रहा है हमारा साथी, इनके आज सौजन्य से हमें केले मिले। और ये देखिए लपेट दिए हैं साथी ने, रुक भी नहीं रहा है, बिल्कुल गांव में पहुंच नहीं पाता, उससे पहले दिल स्पेशल सोनीपत से जाके। और ये फ्रेश दूध लेके आए अभी हमारे लिए और अभी बढ़िया अदरक वाली चाय बनाएंगे यहाँ। और ये देखें इनसे तो रुका नहीं जा रहा, लपेट दिए केले। ये भैया चाय पे चर्चा चल रही है यहाँ और अब एक चाय का एक्स्ट्रा ऑर्डर दे दिया, इनको मजा नहीं आया, थोड़ी कम चाय है, है? एक नमकीन ले लोगे? हाँ एक नमकीन ले सकते हैं भाई, ये दूसरी चाय की तैयारी कर दे भाई। और ये एक चाय एक नमकीन की और परमिशन ले रहे हैं जो कि इनको स्वीकार किए गए हैं, तो कमेटी बैठी है अब चाय पर चर्चा चलेगी। ये मस्ती करके अब निकल लिए हैं साइकिल से और अब चलते हैं सोनीपत की तरफ, मिलते हैं आगे रास्ते में सेक्टर 23 में। हम भी उठाते हैं अपनी साइकिल, ये भाई चल दिया हम, साथी मंडली आगे भाग गई, पकड़ते हैं इनको साइकिल पे अपनी। ये हमारी साइकिल दौड़ रही है और पीछे सबको छोड़ रही है, ये साइकिल हमारी दौड़ रही है पीछे सबको छोड़ रही है,
यूं पेडल लग जाएंगे और हवा में उड़ जाएंगे, ऐसे ही राइमिंग बनाएंगे और आप लोगों को पकाएंगे और सुनाएंगे। ये आज की हमारी यात्रा अब सोनीपत पहुंचने वाले हैं समाप्त होती है, और इसी में आपको एक बात कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी दौड़ रही है और कुछ लोग इस दौड़ में ऐसे शामिल हो जाते हैं कि सोचते हैं बस हम ही हैं और हमारे बिना ये ज़िंदगी रुक जाएगी, और ज़िंदगी कभी नहीं रुकती। तो अपने जीवन का आनंद लें और इस भागन दौड़ से अपने लिए समय निकालें। आप ना होंगे तब भी ये दुनिया चल रही थी, और लाखों करोड़ों राजा महाराजा चले गए तो भी चल रही थी। तो इसी बात पे दो लाइनें कहना चाहूँगा और आज का ज्ञान यहीं समाप्त करके वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, और फिर मिलेंगे किसी दिन किसी नई जगह नई वीडियो में। हम ना होंगे तो मानो, हम ना होंगे तो मानो वक्त ही थम जाएगा, हम ना होंगे तो मानो वक्त ही थम जाएगा। कैसी कैसी गलत फहमियाँ पाल लेते हैं लोग, पाल लेते हैं लोग। धन्यवाद। साथी भी आपको एक बात बताना चाहेंगे और आखिरी वीडियो इसके साथ मुकेश कुमार जी कुछ कहना चाहेंगे अपने शब्दों में। जो फकीरी मिजाज रखते हैं ठोकरों पे ताज रखते हैं। वाह भाई वाह। और इसी के साथ आज का दिन यही समाप्त होता है। मिलते हैं कभी किसी और दिन और वीडियो में। धन्यवाद।